Angel, Ganpat Rao, jaldi se office mein aa jao. Angel, Ganpat Rao, jaldi se office mein aa jao. Thank you. Hey boss, aapne mujhe bulaya. मैंने तुम्हें फरिश्ता बनने की फुल टाइम जॉब दी थी गणपत राव, फुल टाइम वेकेशन नहीं। एक महीने में तुमने 27 छुट्टियां ली हैं। हाँ, क्योंकि मेरा अलार्म टूट गया था। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब से तुम धरती पर किसी के पर्सनल फरिश्ते बनोगे और वो शख्स है एवरेल डाल्टन। बस थोड़ी देर में मिलेगी हमें आजादी। और डाल्टन्स पिकनिक पर जा रहे थे का? यहाँ कुछ अच्छी खुशबू आ रही है। सैरों पर नजर रखना, एला पकड़ा। हर बार मुझे एक चोट लगता है और कभी तुझे कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी रक्षा एक फरिश्ता कर रहा है भाई। हाँ, तुम अपने फरिश्ते के साथ कोई अलग ही दुनिया में जीते हो ना। अरे मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें मानता हूँ, अगर सच में फरिश्ता है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब बहुत हुआ, तुम चारों सोते नहीं क्या? मैं इस गुंचू की रक्षा करने के लिए सारी रात नहीं जगने वाला। कौन है तुम? एंजल गणपत राव, ग्रेजुएटेड गार्डियन एंजल, और मैं रक्षा करूंगा एवरेल डाल्टन की। उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमने कैसा किया? ये फरिश्ता है जो इसके पास सुपर पावर्स हैं। अब वो हमारे ग्रेड पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं गायब हो सकता हूँ, मैं अमर हूँ, और मैं ऐसे कान हिला भी सकते। क्या तुम दीवार पार कर सकते हो एंजल? एक्चुअली मैं वो कोर्स में फेल हो गया था, लेकिन मैं इस दरवाजे को पार कर सकते। और गणपतरा, जाकर जेलर की ऑफिस में से चाबियां लेकर आओ ना। मैं ये नहीं कर सकता बाबा। अरे बाबा, मेरी एंजल वाली नौकरी चली जाएगी। मेरे पास एक अच्छी डील है। मैं एक पूरा दिन एवरेल की रक्षा करूंगा और तुम आराम करो, और बदले में एक दिन तुम्हारी पावर्स हमें दे दो। क्यों, अब ठीक है ना? कोई शक? ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम को ही। मैं चारों को पावर्स नहीं दे सकते ना छोटिया। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुड नाइट, सो जा एवरेल। चलो उठो एवरेल। ये गोचू कहाँ चला गया? ओए दरवाजा खोलो, एवरेल कहाँ है? वो पत्थर तोड़ रहा है। ये मुझे दे दो, तुम्हें चोट लग सकती है मेरे भाई। तुम ठीक हो जो? एकदम। मुझे कल से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। यो एंजल गणपत राव, तुम कहाँ? कहीं कुछ चिल्लाते? ओए, एक दिन पूरा हुआ, अब मुझे पावर्स दो जल्दी। हाँ ठीक है, जल्दी काहे को इतना? वो ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या था? अब्रकडब्रा याद आया, जिगी विगी रिगी प्लम प्लम पॉप पॉप पिप पिप ट्रैट्रला। हो गया। क्या हो गया? अरे भाई, तुम तो चमक रहे हो। मैंने तुमको बोला था ना, दीवार वाले कोर्स में मैं फेल हो गया था। तुमने मुझे उल्लू तो नहीं बनाया ना? देखो, तुम उड़ सकते हो, बहुत ही अच्छे। ओ देखो, जेलर साहब ने नई लाइट्स लगवाया है। जो डाल्टन, मैं गायब नहीं हुआ क्या? मैं यहाँ नहीं हूँ, ये कोई और है।
लेकिन ये कैसे किया? मुझे मेरे प्लेनेट वापस ले जाओ। ब्रो 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 मुझे उल्लू नहीं बनाया भाइयों, मैं सब समझ गया। मैं चाबी लाता हूँ और फिर हम सब निकलते हैं। अगर तुम उड़ सकते हो तो हमें डायरेक्टली उठाकर ही ले चलो ना फिर। बाबा रे बाबा, अगर तुमको कुछ हो गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुमने हद से ज्यादा वजन उठा लिया जो डाल्टन। शायद, लेकिन हम आजाद हैं। मेरे को मेरी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आजाद हो गए मेरे भाई, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बैंक में चोरी, दुकानों में चोरी और घर का खाना भी मिलेगा। लेकिन ये गलत है, हमें लाइफ में अच्छी चीजें करनी चाहिए, इसलिए हम जेल वापस जाकर अपनी सजा काटेंगे। कोई शक? भाई को क्या हो गया? वो अच्छा आदमी बन गया है, सुपर पॉज का साइड इफेक्ट है ये। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ लेकिन इसको पहले दिन हो गया। मुझे जेल वापस जाना है, मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी है। मुझे मेरे दोस्त बहुत पसंद है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, लेकिन शायद वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है। मैंने अपना काम अच्छा किया ना बॉस, मैंने एवरिल का अच्छी तरह से ख्याल रखा है। वेरी गुड, अब मैं तुम्हें किसी और इंसान का पर्सनल फरिश्ता बनाता हूँ। वो शख्स और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त है जो डाल्टन। अरे नहीं।